हम देखते हैं सीता मैया ने हनुमान जी से कहा कि आप प्रभु राम की शारीरिक सुंदरता का वर्णन करो। हनुमान जी आंखें बंद करके सुविधा हास देर तक पूरी तरह से ध्यान मुद्रा में कहने लगते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र के समान शीतल, बहते हुए पानी की तरह बनदव गलते हुए, शांत पानी की तरह उनका मद विहंगम पूरी तरह से सकोल अध्ययन में डूबा हुआ, उनकी आंखें कमल की बखुड़ियों के समान, उनके मुख, उनके जो मुख है, उनकी जो लिप्स है वो बिंब फ्रूट के समान, उनके दांत अनार के दानों के समान, उनका वक्षस्थल जैसे वज्र को भी पूरी तरह से नष्ट कर दे, उनकी पतली कमर जैसे परमात्मा ने सबसे सुंदर व्यक्तित्व यही डाला हो, उनका कलर मोल्टन गोल्ड टिंज्ड विद द ग्रीन ऑफ तुलवा ग्रास, उनकी लंबी बाहों, उनके लंबे पैर, 8 फुट ऊंचा कद, उनकी छाती चौड़ी बहुत ही डीप, उनका छोटा गला जिसमें त्रिरेखा अंकित है, उनकी बहुत ही डीप जाने वाली नाभि, एक ऐसा व्यक्ति मतलब उनकी स्किन जो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम है, बहुत ही मुलायम है, एक ऐसा तेजस्वी काउंटेनेंस की हर कोई उनको देखे और उनको देख करके लगे कि अरे इस व्यक्ति के अंदर शक्ति है कि मेरा उद्धार करे, मुझे आनंद दे और मुझे अपने शरणागत भी दे। हनुमान जी ऐसा कहने लगते हैं, उनकी चाल एक हाथी के समान है, एक सिंह के समान है, उनका ऐश्वर्य कुबेर के समान है, उनके पास जो संपत्ति है, लोग जो उनके पास है, जिस प्रकार से मेरु खड़ा होता है सबके बीच में, वैसे लोगों के बीच में जब राव खड़े होते हैं तो मेरु या सुमेरु पर्वत की तरह दिखता है। सीता इज इन टियर्स, सीता की आंखों से अश्रुओं में धारा रुकनी है। हनुमान जी कहते हैं, माते मेरे पास शब्द नहीं है, उपमाएं कम पड़ जाएंगी अगर मैं राम का गुणान वर्णन करता रहूंगा। वे कहते हैं कि हनुमान जी पूरी तरह से परफेक्शन परसोनिफाइड, वो जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो सब परफेक्शन का एक स्टैंडर्ड हो जाता है। राम डज नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन परफेक्शन। हनुमान जी कहने लगे कि मैं आपको ये वर्णन सुना रहा हूं माते, लेकिन ये वर्णन सुनाते सुनाते मेरे स्वयं के अंग अंग कांप रहे हैं, मेरा प्रत्येक रोग पूरी तरह प्रेम में सराबोर हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भगवान राम के सुंदरता का वर्णन कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। इसके बाद वो बताने लगते हैं लक्ष्मण और राम के बारे में कि वो दोनों दो दिल एक चांद है। किस प्रकार से प्रभु राम की सेवा में लक्ष्मण अपने आप को पूरी तरह से ध्यान मग्न किए हुए हैं। वे कहते हैं दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, फर्क केवल इतना है कि लक्ष्मण की जो अंग कांति है वो मोल्टन गोल्ड है और राम की जो कांति है मोल्टन गोल्ड में दूर्वा ग्रास का ग्रीनिश टिंज थोड़ा सा मिक्स किया हुआ। लेकिन लक्ष्मण राम की सेवा का एक मौका नहीं छोड़ते और राम लक्ष्मण के साथ पूरी तरह रहने का एक मौका नहीं छोड़ते। वे बताने लगे कि इस प्रकार से उनका शरीर अब सीता के अपहरण के बाद इतना कृश हो गया है कि राम की जो अंगूठी थी जो राम ने पहनी हुई थी अब वो राम के बाजू बदनों में आती। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु राम ने हरे चप्पा चप्पा छान मारा है, पूरे किष्किंधा का, पूरे भाग का, जहां पंचवटी में आपका अपहरण हुआ वहां से लेकर के
उन्होंने फिर आपके अपहरण के बाद वो पूरी तरह से टूट गए। वे लक्ष्मण के साथ में हर जगह जंगलों जंगलों में घूम रहे हैं, हर किसी से पूछ रहे हैं, दिशाओं से पूछ रहे हैं, नगन से पूछ रहे हैं, पृथ्वी से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, तरुओं से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं। सीता को देखा, सीता कहाँ गई? एंड राम इज मेट विथ ओनली एंड ईरी साइलेंस। कोई कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हर कोई रावण से डरता है। रावण को पता चलेगा कि उसकी खबर हमने दी तो क्या होगा। इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते राम और लक्ष्मण किष्किंधा में, आपने जहां पर वो आपके आभूषण डाले थे, वह आभूषण सुग्रीव के पास है। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा, पर राम और लक्ष्मण को देखने के बाद मुझे उनकी शिनाख्त करने के लिए भेजा गया कि वो कौन है। मैंने आपके सेवक ने राम और लक्ष्मण का सुग्रीव से मिलन करवाया। इसके बाद वाली की हत्या हुई, जिसने बहुत आततायी रूप से किष्किंधा पर कब्जा किया हुआ था, सुग्रीव की पत्नी को हथिया लिया था और पूरे राज्य पर एक छत्र राज्य चला था। वाली की हत्या के बाद सुग्रीव राजा हुए और उसके बाद 4 महीने का चातुर्मास का समय आया, बारिश का समय आया। उस समय राम और लक्ष्मण आपकी पीड़ा में केवल आपके नाम का जप कर रहे थे और तब सुग्रीव अपनी पूरी सेना को एकत्रित करने में जुटे हुए थे। सुग्रीव ने अपनी पूरी सेना एकत्रित की और जैसे ही 4 महीने बारिश पे खत्म हुए, सुग्रीव ने 4 दिशाओं में 4 इन 4 टुकड़ियों में से जो दक्षिण भाग में आई उसका एक सदस्य मैं था। हम दक्षिण में आए, दक्षिण में आते हुए भी हमें कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम जब रामेश्वरम आए तो वहाँ पर स्वयं प्रभा नाम की एक बहुत सत्यवती स्त्री ने हमारी मदद की और उस समय उन्होंने बताया किस प्रकार से जटायु के भाई संपाति ने बहुत ऊपर उड़ते हुए हमें आप कहाँ पर हैं, आपकी दिशा और आपके स्थान, आपका स्थान, रहने का स्थान बताया कि लंका में। तब बात आई कि अरे लंका 100 योजन कूद करके कौन जाएगा। और तब आपका ये सेवक प्रभुराम की आज्ञा पा करके, प्रभुराम के स्वरूप को अपने मन में रख करके ये 100 योजन लांग करके आया। और यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको बहुत खोजा, रावण के अंतपुर में भी गया। रावण के अंतपुर में मुझे आपके समान दिखने वाली एक स्त्री दिखी, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि वो आप नहीं हो सकती। आप प्रभु राम को छोड़ करके किसी और को अपना वरण दे ही नहीं सकती। तो तब मैं और खोजता रहा और यहाँ पर आपका दर्शन पाया। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक थैंक यू।